नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से शुक्रवार को संन्यास ले लिया है। 2016 से ही टीम इंडिया से बाहर चल रहे दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर के जरिए अपने संन्यास का ऐलान किया। 41 साल के हरभजन सिंह ने लिखा, मैं उस खेल को अलविदा कह रहा हूँ जिसने मुझे जीवन में सब कुछ दिया है। सभी अच्छी चीज़ों का अंत होता है। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस 23 साल के लंबे सफ़र को बेहतरीन और यादगार बनाया। पंजाब से आने वाले हरभजन सिंह ने अपना पहला टेस्ट मैच 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2015 में श्रीलंका के खिलाफ खेला। वहीं भज्जी ने अपना पहला वनडे मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 1998 में ही खेला था और उन्होंने अपना आखिरी वनडे मुकाबला 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला। भज्जी निकनेम से मशहूर हरभजन सिंह ने टीम इंडिया के लिए 103 टेस्ट मैच खेले। उनके नाम इन मुकाबलों में 417 विकेट रहे। वनडे में उन्होंने भारत के लिए 336 मुकाबले खेले जिसमें उन्होंने 269 विकेट अपने नाम किए। वहीं T20 फॉर्मेट में भी भज्जी ने भारत के लिए 28 मुकाबले खेले, इसमें उन्होंने 25 विकेट अपने नाम किए। हरभजन सिंह अगले IPL सीजन में किसी एक टीम के साथ बतौर कोच या मेंटोर जुड़ सकते हैं। हरभजन सिंह ने भारत के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 2016 में UAE के खिलाफ एशिया कप T20 में खेला था। वहीं हरभजन पिछले IPL सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े रहे थे और अब वो एक नई भूमिका में जुड़ सकते हैं। वहीं क्रिकेट को भज्जी का अलविदा कह जाना कहीं ना कहीं उनके लिए फैंस के लिए एक दुख भरी खबर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।